सिकल सेल डिजीज एक सीरियस हेल्थ कंडीशन है जो फैमिली दर फैमिली चलती है। सिकल सेल डिजीज को सिकल सेल एनीमिया भी कहा जाता है। महिलाओं में सिकल सेल डिजीज कई परेशानियों का कारण बनती है। इसकी वजह से प्रेगनेंसी में दिक्कत के साथ ही सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। सिकल सेल डिजीज मेंस्ट्रुएशन को भी प्रभावित करती है और क्रॉनिक पेन का कारण भी बनती है। सिकल सेल डिजीज के चलते महिलाओं को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर प्रेगनेंसी के दौरान, और वो कैसे इनसे अपने आप को बचा सकती हैं, इसके लिए चलिए जान लेते हैं एक्सपर्ट से कि कैसे सिकल सेल डिजीज से प्रेग्नेंट महिलाएं अपना बचाव कर सकती हैं। सिकल सेल डिजीज़, जैसा मैंने आपको बताया, एक काफ़ी निगलेक्टेड डिजीज़ है, बट इसके कुछ जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा निगलेक्टेड हैं, और इसमें से एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है सिकल सेल डिजीज़ इन प्रेगनेंसी। जो बच्चियां हैं इस एज ग्रुप में, प्रेगनेंसी के एज ग्रुप में, जो सिकल सेल डिजीज़ प्रभावित हैं, अनफॉर्चुनेटली वैसे भी जो सिकल सेल डिजीज़ वाले बच्चे हैं उनकी जो ऑप्टिमल केयर है वो काफ़ी बच्चों को नहीं मिल पाती। पर जो बच्चियाँ जो सिकल सेल डिजीज़ प्रभावित हैं और एक्सपेक्टिंग मदर हैं, इनमें जो सिकल सेल रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो और भी ज़्यादा होते हैं, और इन बच्चियों की हेल्थ को और प्रेगनेंसी को वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। हम इसको एक एक करके समझते हैं कि किस तरह से सिकल सेल डिजीज़ बच्चियों को अफेक्ट कर सकता है। सबसे पहले तो सिकल सेल डिजीज़ जो है ये किसी भी फीमेल के गोनेट्स जो हैं, उनको, जो अंडकोश हैं, उनको कंटिन्यूसली डैमेज करता रहता है। इसलिए अगर हम देखें तो जो बच्चियां हैं जिनको सिकल सेल डिजीज़ है, अगर हम उनको कंपेयर करें नॉर्मल बच्चियों से, तो जो अंडकोश के रिजर्व्स हैं, ऊसाइट के जो रिजर्व्स होते हैं, वो सिकल सेल डिजीज़ प्रभावित बच्चियों में कम होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये बच्चियाँ कंसीव नहीं कर सकती, ये बच्चियाँ डेफिनेटली कंसीव करती हैं, बट जो सिकल सेल डिजीज़ वाली बच्चियों में जो प्रेगनेंसी होती है उसको हम एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरह कंसिडर करते हैं। हाई रिस्क क्यों हम इसको बोलते हैं? क्योंकि इन बच्चियों का जो हीमोग्लोबिन है वो 7 से 8 के बीच में नॉर्मली रहता है, और प्रेगनेंसी के समय इनका हीमोग्लोबिन फर्दर ड्रॉप होता है। और आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर किसी भी मदर का हीमोग्लोबिन 7-8 और उससे नीचे अगर है, तो बच्चे की जो मदर है उसकी हेल्थ पे कितना इफ़ेक्ट पड़ सकता है, और जो गर्भ में बच्चा है उसकी हेल्थ पे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। सेकेंडली, चूँकि शरीर में जो वुड बी मदर है उसके शरीर में सिकल सेल सर्कुलेट कर रहे हैं, और जो प्लेसेंटा है वहाँ पर भी सिकल सेल सर्कुलेट करते हैं, तो एक जो रिस्क ऑफ एबॉर्शन है वो भी रिलेटिवली ज़्यादा होता है इन बच्चियों में जो कि सिकल सेल डिजीज़ अफेक्टेड हैं और साथ में प्रेगनेंसी भी कैरी कर रहे हैं। तो हमें ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो सिकल सेल डिजीज़ का सर्कुलेटिंग सिकल हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है बच्चियों के, ऐसी बच्चियों के ब्लड में, उसको हम एक सर्टेन लेवल से कम रख सकते हैं, प्रेफरेबली 20-30% के आसपास अगर हम रखेंगे, और उनका हीमोग्लोबिन अगर हम 10 और 11 के आसपास मेंटेन करेंगे, तो बच्ची जो है उसकी हेल्थ पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जो गर्भ में बच्चा है उसका भी जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छे से होगी। एक तीसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि काफ़ी सारे बच्चे और बच्चियाँ जो सिकल प्रभावित हैं वो हाइड्रोक्सी यूरिया पे रेगुलरली रहते हैं। इन अ नटशेल, मैं एक बार फिर से आप सबको बताना चाहूँगा कि सिकल सेल डिजीज़ इट्सेल्फ एक बहुत निगलेक्टेड डिजीज़ है, पर ऐसे बच्चियों में जिनमें सिकल सेल डिजीज़ है और वो एक्सपेक्टिंग मदर हैं, उनमें ये और भी ज़्यादा जटिल समस्या हो जाती है, और इनको हमें एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरह ट्रीट करना चाहिए, जिसमें कि एक कोऑर्डिनेटेड वे में हेमेटोलॉजिस्ट जो हैं और जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं जो इस बच्चे को देख रहे हैं और ऐसी मदर्स को देख रहे हैं, उनको बड़े तालमेल में काम करना चाहिए, जिससे कि हम एक अनइवेंटफुल प्रेगनेंसी कर सकें, और जिसमें कि माँ और बच्चे दोनों की जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। नमस्कार।